हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फैसल शेख फ्रॉम वीनस इंग्लिश हाई स्कूल। होप द स्टूडेंट्स आर वेल एंड सेफ एट होम। नाउ एज अकॉर्डिंग टू आर फर्स्ट यूनिट, द फर्स्ट चैप्टर इन अकाउंट्स इज लेसन नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। व्हाट इज गुडविल? सबसे पहले हम लोग को एक क्वेश्चन अराइज होता है कि गुडविल क्या है। तो गुडविल एक ऐसी चीज़ है, गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट which shows the value of reputation of business in the market। तो ये क्या कहता है कि goodwill is an intangible asset। We cannot touch goodwill, but we can feel it। We can feel it what is going on। For example, if a student does well in the examination, the teacher, the principal, the trustee of the school makes lots of appreciation to him। He is appreciated, so the appreciation word cannot be touched, it can be felt। So goodwill is like that only, goodwill is an intangible asset, we cannot touch it, but it shows the reputation of business in the market। It shows the reputation of the business in the market means what? Ki if he is doing a good business and he is earning too much, he has the reputation, he shows the quality of the product, then it shows the reputation of the business in the market। Generally for ownership firm, question of valuation of goodwill arise at the time of selling of the entire unit, but for the partnership firm the situation is not like that। It shows that if the ownership firm, question of valuation of goodwill arise, if the ownership is there then the question of goodwill always arises at the time of selling। If you are selling the business then they are telling that he has the reputation or not, but it is different in the partnership firm, it is not like that। Question of goodwill may arise at any time during the working period of business। You can ask any time that what is the reputation of the business, what is the condition which is running in present। Example is given, at the time of reconstruction of partnership, if the partnership is reconstructed, if a new partner is added for the reason like change in the profit and loss ratio, if the profit and loss ratio is changed, that admission or retirement or death of a partner, at the time of reconstruction partnership, assets and liabilities of a firm are revalued, which goodwill also includes। मीन्स वॉट कि अगर जो हमारा कुछ चेंजेस हो रहा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस हो रहा है, एडमिशन हो रहा है किसी का रिटायरमेंट हो रहा है या पार्टनर का डेथ हो रहा है, तो ऑफ अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर रीवैल्यूड। तो हम लोग को जाहिर सी बात है कि रीवैल्यू करना पड़ेगा क्योंकि नई नई चीज़ें आने वाली है, तो हमको रीवैल्यू करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि एसेट्स आर रीवैल्यूड इन टू कैटेगरीज। अगर जो उसका नया वैल्यू निकालना है तो दो कैटेगरी में वो करता है, पहला है करंट एसेट्स, दूसरा है नॉन करंट एसेट्स, एंड गुडविल इज इंक्लूडेड इन नॉन करंट एसेट कैटेगरी। करंट एसेट जैसे कि हम लोग का कैश बैलेंस हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल्स हो गया, मतलब करंट एसेट्स का मतलब ये होता है जो धीरे धीरे चेंज होते रहता है, फिक्स नहीं होता। और नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? जिसको छू सकते हैं, जिसको नहीं भी छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होता है, कॉपीराइट हुआ, ये सारी चीज़ें नॉन करंट में आती है। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। अब ये बोलेंगे कि सर बिल्डिंग को तो हम नहीं हिला सकते, सर फर्नीचर को तो हिला सकते। लेकिन बेटा जी, फर्नीचर हर कंपनी में, छोटे फर्नीचर नहीं होते, बहुत बड़े बड़े फर्नीचर होते हैं, उसको हिलाने में हम लोग को टाइम लगता है, बहुत तकलीफ होती है, तो इसलिए वो नॉन करंट एसेट में आता है। एक बार कंपनी में मशीन लग गई, उसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। और गुडविल किस में आता है? नॉन करंट में आता है। आगे कहा गया है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, तो जाहिर सी बात है ऊपर हमने पढ़ा था कि गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, विच कैनॉट बी सीन बट इट हैज इट्स ओन वैल्यू। दिखता तो नहीं है पर उसकी वैल्यू बहुत है, दिखता नहीं है पर उसकी वैल्यू बहुत है। वाइल डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, जब हम वैल्यू ऑफ गुडविल को डिसाइड करते हैं, सो मेनी फैक्टर्स आर कंसिडर्ड लाइक बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस के ऊपर ध्यान देंगे, लोकेशन, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन द मार्केट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, टाई अप एक्सेट्रा।
दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द रेपुटेशन ऑफ गुडविल. इफ द गुड इफ यू वॉन्ट टू डिसाइड द गुड वैल्यू ऑफ गुडविल, देन यू हैव टू कंसिडर दीज टाइप ऑफ फैक्टर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेनिफिट ऑफ विच बिजनेस कैन गेट वेरी ईजीली मार्केट सिचुएशन और स्पेशल एडवांटेज बिजनेस हैज. If the goodwill is very nice, then the situation or special advantage can be taken. If above said positive factors, business have, one can say definitely the business has goodwill. If the reputation is there, special advantage is there, that definitely we can say that it, the business has goodwill. The business which suffers with a loss or on the verge of closing down. जब बिजनेस एकदम सफर कर जाता है, जब हताश हो जाता है कोई चीज़ की बिजनेस नहीं चलेगा और क्लोज डाउन होने वाला आता है, हैज नो वैल्यू ऑफ गुडविल. इफ द बिजनेस क्लोजेस और हैज सफर लॉसेस, देन इट हैज नो वैल्यू ऑफ गुडविल इररिस्पेक्टिव ऑफ फेवरेबल पॉजिटिव फैक्टर्स. अब देखो कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स टू रिमेंबर है इस गुडविल चैप्टर में. बिजनेस विथ लेस रिस्क, जो बिजनेस कम रिस्क का है, द बिजनेस विथ लेस रिस्क एंड स्टेबल प्रॉफिट एंड हैविंग गुड अर्निंग कैपेसिटी हैज मोर अमाउंट ऑफ गुडविल. जो बिजनेस में लेस रिस्क होता है और स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी होता है और अर्निंग कैपेसिटी बहुत होता है, तो उसको चांसेस ज्यादा, हैज मोर अमाउंट ऑफ गुडविल. अब गुडविल कहां पर बताया जाता है? गुडविल इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. और ऊपर बताया गया था किस कौन सी हेडिंग में दिखता है? हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट. अब इन द केस ऑफ अमालगमेशन, एक दूसरे से मिलना, अमालगमेट करना, और इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, व्हेन बिजनेस इज गोइंग टू ट्रांसफर, जब बिजनेस ट्रांसफर होने वाला होता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल टेक्स प्लेस. यानी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल टेक्स प्लेस होगा कब? अमालगमेशन और इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, व्हेन बिजनेस इज गोइंग टू बी ट्रांसफर. ओके गाइस, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, व्हेन प्रॉफिट और लॉस रेशियो चेंजेस, अगर जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस रेशियो चेंज हो रहा है, और इन द केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल टेक्स प्लेस. जाहिर सी बात है, 11th स्टैंडर्ड पढ़े, जब पार्टनरशिप पता ही है, ओसी का सब्जेक्ट पढ़े कि जब पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाता है. व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा, और इन केस ऑफ एडमिशन, कुछ भी हो सकता है, या तो केस ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो सकता है, केस ऑफ एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो सकता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल टेक्स प्लेस. ये कंपलसरी है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कब लेता है. अब देर आर थ्री डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. कौन सा है? सबसे पहले सिंपल एवरेज मेथड है. सिंपल एवरेज मेथड क्या होता है?